नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। मैं हूँ विक्की आनंद और आप देख रहे हैं टेक्नो रिव्यूल चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं किस प्रकार हम लोग जावा को भी हम इंस्टॉल करते हैं और किस प्रकार हम लोग इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जावा कॉन्फ़िगर करने से पहले आप इस बात को सुनिश्चित कर लें कि आपके पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। ये सॉफ्टवेयर हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले जो आपका विंडोज़ है वो लाइसेंस विंडो होना चाहिए। विंडोज 7 अल्टीमेट सर्विस पैक 1 में ही काम करता है डिजिटल साइन, या फिर विंडोज 10 का 32 या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ये लाइसेंस होना चाहिए, बिना लाइसेंस के काम नहीं करता है या फिर क्रैक हो। फिर दूसरा है जावा प्लेटफॉर्म। ये जावा प्लेटफॉर्म जो है आपका 32 बिट या 64 बिट, जैसा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा उसके अनुसार रहेगा। उसके बाद है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर 11। अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर आप विंडोज 10 इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसे विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है 11 ऑटोमेटिक इंस्टॉल रहता है। और चौथा जो है आपका ई पास टोकन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम लोग इसे देखिए करते हैं कि हमारा जो विंडो है ये लाइसेंस विंडो है कि नहीं है। ये हमारा इसको चेक करने के लिए दिस पीसी में राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कि हमारे ये जो सबसे दिख रहा है विंडोज 10 है, ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये विंडोज़ क्या है, एक्टिवेटेड है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ विंडोज 10 जो है प्रो एडिशन है। अगर विंडोज़ एक्टिवेशन में नहीं होगा तो ये नहीं होगा, डिजिटल साइंस में काम नहीं करेगा। यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर से ना हो तो हम लोग यहाँ स्टार्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोग राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, सेम वही ओपन होगा। इसको बंद करते हैं। अब देखें कि हमारे पास जावा प्लेटफॉर्म है कि नहीं है। इसको चेक करने के लिए आप पहले कंट्रोल पैनल ओपन कीजिए। जैसे कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे तो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि हमारे पास जावा है या नहीं है। तो ये हमारे पास जावा नहीं है, इसलिए हम कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि जावा है कि नहीं है। अब जो हमको जावा इंस्टॉल करना है तो ये जो हमारा लिंक है इसमें दिया गया है, लिंक हमने पहले से इसको ओपन करके रखा हुआ है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ये लिंक को, तो ओपन हो जाएगा। कॉपी किए इसको यहाँ पर ले जा करके पेस्ट कर देते हैं, ये ओपन हो गया। अब यहाँ से हम लोग अलग अलग हैं, ये विंडोज़ के लिए विंडोज़ ऑफलाइन इंस्टॉलर होता है, एक होता है ऑनलाइन इंस्टॉलर। तो ऑनलाइन इंस्टॉलर में इसको एक फ़ाइल डाउनलोड होगा और इसके बाद हम लोग ये ऑटोमेटिक उस फाइल के माध्यम से पूरा जावा डाउनलोड होता है। और एक जो है ऑफलाइन में जो क्या होता है कि आपका जो जावा है आप पहले पूरा कंप्यूटर में आप डाउनलोड करें, इसके बाद इसको कंप्यूटर से इंस्टॉल करें। तो अगर आप विंडोज़ 32 बिट यूज़ करते हैं तो आप जो बीच वाला है विंडोज़ ऑफलाइन इसको डाउनलोड करेंगे, अदरवाइज़ आप विंडोज़ ऑफलाइन 64 बिट को डाउनलोड करेंगे अगर आप 64 बिट विंडोज यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पर जावा जो है जारी डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। हम इसको डाउनलोड नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है। देख लेते हैं, ये हमारा जावा डाउनलोडेड है। इसमें क्लिक करेंगे राइट क्लिक और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक करेंगे।
या फिर डायरेक्ट इसको डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। यस में क्लिक करेंगे। ये है, अब इसमें कुछ भी हमको छेड़ना नहीं है। इंस्टॉल क्लिक करेंगे। ये इंस्टॉल हो रहा है। ये हमने जावा सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। इसके यहाँ से क्लोज करेंगे। और इसमें हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे पहले जावा को। पहले कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे। तो यहाँ जावा सर्च करेंगे। जैसा कि कंट्रोल पैनल में दिखाई नहीं दिया, इसको हम लोग यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। जावा या गया है, इसमें हम लोग कॉन्फ़िगर जावा में क्लिक करेंगे। कंट्रोल पैनल में जावा तभी आएगा जब हम इसको रीस्टार्ट करेंगे विंडो को। तो यहाँ से देख लेते हैं हम लोग किस प्रकार से कॉन्फ़िगर करना है। ये हुआ हमारा। अलग अलग टैब दिया गया है इसमें। हम लोग सिक्योरिटी में जाएंगे और इसमें जो है एडिट सेटिंग्स में जाएंगे। इसके बाद ऐड में क्लिक करेंगे। अभी हमारा नीचे जो है इसको एक एक करके इसको पूरा कॉपी करके उसमें पेस्ट करेंगे। राइट क्लिक, कॉपी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, इसको ऐड करेंगे। फिर कंट्रोल वी, फिर से ऐड करेंगे इसको। तीसरा लाइन ऐड करेंगे। इसके बाद ये चौथा लाइन ऐड करेंगे। ओके। इसके बाद इसको ओके हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब जो है देखते हैं कि हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये आ गया, इसमें क्लिक करते हैं। इसमें जावा जो है इसको इनेबल कर देंगे। इसमें एक मैसेज आ रहा है इसको। अब यहाँ से हम लोग अल्ट प्रेस करेंगे मेनू के लिए। तो हमारा मेनू आ गया। इसमें हम लोग हेल्प में जा करके देख सकते हैं कि हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 है कि नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 है। तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, ये विंडोज़ 10 है। इसको क्लोज कर देंगे। हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर इंस्टॉल है। अब जो है हम इसको टोकन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। तो इसके लिए आप पहले टोकन लगाएंगे। इसको ओपन करेंगे या फिर डायरेक्ट आने से हम लोग रन भी कर सकते हैं।
इसमें क्लिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट। इसमें भी आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, ये प्राइवेट CSP ही रहेगा, इंस्टॉल कर देंगे। फिनिश। इस प्रकार हमारा जो जावा कॉन्फ़िगरेशन है कंप्लीट होता है। इसके अलावा डिजिटल साइन करने के लिए हमारा जो टोकन है वो भी रजिस्टर होना चाहिए। अब जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करेंगे, हमने ओपन किया है यहाँ। डिजिटल हस्ताक्षर में जाएंगे, यहाँ पर अपना टोकन भैया में रजिस्टर करें, इसमें क्लिक करेंगे। अभी टोकन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, टोकन रजिस्टर बता रहा है। अगर आपका टोकन रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इसको रजिस्टर लिए अनुरोध कर सकते हैं यहाँ से। हम लोग वापस जाते हैं, अब देखते हैं हम लोग कि हमारा जो टोकन है रजिस्टर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, और हमारा जावा कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको अपना एक ग्राम चुन लेते हैं। डाटा सत्यापित करें, फिर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो लिंक दिया गया है, लिंक वन और लिंक दो। तो लिंक फर्स्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ देख लेते हैं कि कौन से हमारे जो खसरा नंबर है वो सत्यापित हैं। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, हमारे बहुत सारे खसरा जो है सत्यापित है, इसको हम लोग देखते हैं। दसरा दिया गया है इसमें 12 नंबर, इसको करके देखते हैं। ये वो अब जो है इसमें हम लोग नीचे आएंगे, हस्ताक्षर प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। फिर इसमें हाँ में क्लिक करें। अब इसके बाद डाटा डिजिटल साइन में क्लिक करेंगे।
इसके अलाउ करेंगे। ओके इसको भी टिक करेंगे। आई एक्सेप्ट द रिस्क एंड वांट टू रन दिस एप्लीकेशन। दो बार आता है, दूसरी बार भी हम लोग इसको यस करेंगे। और इसके बाद ये तीसरी बार में आपका पासवर्ड पूछता है, तो जो आपका पासवर्ड आपने सेट करके रखा है इसको आप इंटर करेंगे, इसके बाद ओके करेंगे। ये काफ़ी टाइम लेता है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और इसको जो हम लोग इसको यहाँ पर बढ़ाएंगे नहीं, इसको देखते हैं कितने देर में होता है ये। यह हमारा डिजिटल साइन कंप्लीट हो गया। यह दिखा रहा है पीडीएफ फाइल डिजिटल डिजिटल हस्ताक्षरीकृत हुआ। इसको हम लोग ओके क्लिक करेंगे और इसको कुछ देर के लिए छोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए लास्ट में प्रोसेस दिखाता है। अभी आप देख रहे हैं कि यह पूरा डिजिटल साइन हो गया है। तो दोस्तों ये तो था हमारा डिजिटल साइन कॉन्फ़िगरेशन करना, और इसका हम लोग किस प्रकार से हम लोग इसको डिजिटल साइन कर सकते हैं ये आपने देखा। तो दोस्तों आपको कैसा वीडियो लगा इसको हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और कोई परेशानी है तो भी आप इसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और हो सके तो वीडियो को इसको शेयर कीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी जान पाएँ और उसको आसानी से कर पाएँ, ताकि किसी को भी काम करने में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।